यहाँ पर देखिए एक चैप्टर है द रेट ट्रैप, और ये द रेट ट्रैप इंटर में है, यानी कि 12th इंग्लिश में है, और उससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन, एक व्यक्ति था, बेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ, वो जो छोटे छोटे रेट ट्रैप्स का मतलब चूहे दानी को बेचा करता था, और ऑफ वो किसका बना होता था, प्लास्टिक का, वायर का, वेस्ट मटेरियल्स का, या नन का। तो किसका बना होता है, वो वायर का बना होता है, तार का बना रहता था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स, अपनी भूमि के साथ, एंड सीज, और अपने इस तरह से समुद्र के साथ, है ना, इट्स सिटीज, अपने शहरों के साथ, एंड विलेजेस, और गांव के साथ, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट अ बिग, बल्कि एक बड़ा सा क्या है, एक तरह से जाल है, चूहे दानी की तरह है, सब एक ही सेंटर पर आकर जो है फंसते रहते हैं, है ना, तो रेड ट्रैप होगा। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, एज विद हिज, अब यहाँ पर क्या होगा, पोरिज एंड टोबैको होगा, क्लियर है। जो ओल्ड मैन की कहानी थी वो किसके साथ आया करता था, तो पोरिज एंड टोबैको के साथ। नेक्स्ट देखिए, द होल फॉरेस्ट, यानी कि पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, अपनी तनों और शाखाओं के साथ, इट्स टिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स क्लोज्ड इन अपॉन द पेडलर लाइक एन, बताइयो पेडलर का मतलब फेरी वाला, किस तरह से, तो इम्पेनी ट्रेबल, इस तरह से, इन सॉरी इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, यहाँ पर भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द डैश आयरन, फर्नेस मतलब भट्टी होगा ना, तो बताइए जो मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर कहाँ बैठे हुए थे, तो एक पिग आयरन के लिए जो है ना, पिग आयरन के लिए वेट कर रहे थे फर्नेस के पास बैठ कर, तो यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, पिग आयरन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट थिंग विच द आयरन मास्टर सा, पहली चीज जिसको आयरन मास्टर ने देखा इन द मेल, मेल में वाज टाल, वो क्या था, टाल रैगम, रैगा म्यूफिन, है ना, राग म्यूफिन था वो चीज, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, द आयरन मास्टर अज्यूम्ड डेट ही फेल्ट डैश बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, जो आयरन माइजरेबल था वो बहुत ज्यादा क्या महसूस किया, है ना, जब उसने एक माइजरेबल क्लॉथिंग को, माइजरेबल क्लॉथिंग के कारण उसने क्या महसूस किया, असेम्ड महसूस किया, या जो इंसल्टेड महसूस किया, या ह्यूमिलिएटेड महसूस किया, या इम्बेरेस्ड महसूस किया, तो उसने क्या महसूस किया था, इम्बेरेस्ड, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरह से शर्मिंदगी महसूस किया था उन्होंने। ओके, नेक्स्ट, एडला इंटर्ड फॉलोड बाई अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग, अब यहाँ क्या होगा, फर कोट होगा, FUR इसको बोलेंगे, फर। नेक्स्ट, वाइल गोइंग टू द मेनर्स हाउस द स्ट्रेंजर थॉट डेट ही वॉज सिटिंग इन द, यहाँ ट्रैप होगा, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, यहाँ ट्रैप होगा। ओके, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए यहाँ पर, बट ऑल दो द आयरन मास्टर्स गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम, अब वो प्लीज्ड होगा, यहाँ आयरन मास्टर प्रसन्न नहीं दिखा था। ओके, नेक्स्ट, यू डू प्रेच वर्स देन आ, यहाँ पर क्या होगा, पार्सन सेड द आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर ने ये कहा था, यू डू प्रेच वर्स देन अ पार्सन, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर द क्रिसमस प्रेजेंट द स्ट्रेंजर स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द, तो क्या होगा, बाउंडलेस अमेजमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिटर्न्ड फ्रॉम द चर्च एट अबाउट, तो यहाँ पर 10 o'clock होगा, 10 बजे वो जो है चर्च से आया था, लगभग आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है लगभग, है ना, 10 बजे चर्च से वापस लौटी। नेक्स्ट, द यंग गर्ल ओपेंड द डैश विच वाज सो बैडली डन
अप डेड द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, तो इसका क्या होगा, पैकेज होगा आपका, ओके पैकेज होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर रोट इन हिज लेटर द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। क्लियर है, स्ट्रेंजर ने कहा अपने लेटर में कि रेड ट्रैप जो है ये चूहों से या चूहों के लिए एक क्रिसमस का उपहार है, प्रेजेंट है, ओके। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन थे रेड ट्रैप से रिलेटेड।